हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। आज हम आपके लिए ले कर रहे हैं जो हमने नेशनल स्टील कॉरपोरेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू की थी, उसका पार्ट नंबर 4th। चलिए अभी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेशनल स्टील कॉरपोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर दैट इज 1963। नेशनल स्टील कॉरपोरेशन बनी थी 1963 में, और जो नेशनल स्टील कॉरपोरेशन एक्ट था, नेशनल स्टील एक्ट था, वो आया था 1966 में, और इसकी जो एनफोर्समेंट हुई थी वो थी 1969। ओके, नेक्स्ट वन इज़ सेंटर ऑफ रीजन ऑफ काउपी इज़। काउपी का जो सेंटर ऑफ रीजन कहाँ है, वो है अफ्रीका में, और इसके अलावा अफ्रीका में और कौन सा है, परमिलेट जिसे हम बाजरा कहते हैं, सॉर्गम, और चाइना में है सोयाबीन और टी, और अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ है मूंग, इसके अलावा और कॉटन, और अगर हम मैक्सिको में बात करें तो वो है मेज़। ओके, नेक्स्ट इज ऑयल परसेंटेज इन सोयाबीन इज़। सोयाबीन में ऑयल परसेंटेज कितनी होती है, वो है 20%, और अगर हम प्रोटीन की बात करें तो वो होता है 42%, और अगर हम कोकोनट की बात करें तो उसमें ऑयल परसेंटेज है 64%, और ग्राउंडनट में 45% ऑयल होता है। ओके, नेक्स्ट इज ब्लॉसम एंड रॉट इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। पहले तो ये जो फिजियोलॉजिकल डेफिशिएंसी है, ये किस क्रॉप में आती है, वो है टोमेटो में। ओके, टोमेटो में, और ये किसकी वजह से होता है, वो है कैल्शियम। ओके, नेक्स्ट वन इज़ खैरा डिसीज ऑफ राइस वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय दैट इज़ YL नेने। और जो खैरा डिसीज है राइस का, वो किसकी डेफिशिएंसी होता है, जिंक की डेफिशिएंसी से, और अगर हम GS कुश की बात करें तो वो इन्होंने दिया था सुपर राइस, और अगर हम नॉर्मन बोरलॉग थे उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन जो इंटरनेशनल लेवल पे था, और जो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट वन इज साइंटिफिक नेम ऑफ कॉटन जैसेट इज। कॉटन जैसेट का साइंटिफिक नेम क्या है, वो है अमरस्का बिगुटुला पिगुटुला। ओके, और जो अगर हम एफिड की बात करें तो उसका है एपिस गॉसिपाई, और वाइट फ्लाई की बात करें तो वो है बेमिसिया टेबासाई, और अगर स्पॉटेड बॉलबॉम की बात करें तो वो है एरिस विटाला। ओके, नेक्स्ट इज द वेक्टर ऑफ लीफ कर्ल ऑफ चिली इज। जो चिली का जो लीफ कर्ल है उसे कौन, उसका वेक्टर कौन सा है, वो है थ्रिप्स। अगर नॉर्मली अगर लीफ कर्ल की बात करें तो वो वाइट फ्लाई जो है इसे ट्रांसमिट करती है, लेकिन चिली के को कौन करता है, वो है थ्रिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रत्ना वैरायटी ऑफ मैंगो इज ए क्रॉस बिटवीन दैट इज नीलम एंड अल्फोंसो, और अगर हम नीलम और दुसहरी की बात करें तो वो है मलिका, और अगर अल्फोंसो और बैंगनपाली की बात करें तो वो है अर्का पुनीत, और बैंगनपाली एंड अल्फोंसो को इसका क्रॉस है, वो है अर्का अरुणा का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैग कलर ऑफ सर्टिफाइड सीडीज दैट इज ब्लू, और अगर हम रजिस्टर्ड सीड की बात करें तो वो उसका होता है पर्पल, और ब्रीडर सीड का होता है गोल्डन येलो, और जो फाउंडेशन सीड है उसका कलर होता है वाइट। इसके अलावा एक और जो हमारा सीड होता है वो है ट्रूथफुली लेबल्ड सीड, और इसका जो कलर होता है वो है ग्रीन। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए C4 प्लांट, इनमें से C4 प्लांट कौन सा है, दैट इज मेज, और अगर हम वीट राइस और ग्राम की बात करें तो वो है C3 प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट इज MSP ऑफ वीट फॉर 2018-19 के लिए MSP कितना रखा है सरकार ने, वो है 1840 रुपये, और जो अगर हम 2017 की बात करें, जो कि क्वेश्चन भी आया था AFO एग्ज़ाम में, तो वो था 1735। ओके, नेक्स्ट इज सीड वायबिलिटी टेस्टेड बाय विच मेथड। सीड वायबिलिटी को टेस्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, इनमें से ये जो तीनों के तीनों मेथड हैं, पोटाशियम परमैंगनेट मेथड, टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट एंड ग्रोडेक्स टेस्ट, ये तीनों यूज़ किए जाते हैं, मतलब आंसर है हमारा ऑल ऑफ दी अबव। ओके, नेक्स्ट इज सीड प्लॉट टेक्निक ऑफ पोटैटो वाज डेवलप्ड बाय। पोटैटो की सीड प्लॉट टेक्निक किसने दी थी, वो था पुष्करनाथ। ओके, पुष्करनाथ, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था YL नेने ने क्या दिया था, खैरा डिसीज ऑफ राइस, और CT पटेल ने जो कॉटन का हमारा हाइब्रिड था वो दिया था। ओके,
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फूलिश सीडलिंग डिसीज। इनमें से फूलिश सीडलिंग डिसीज किसे कहा जाता है? दैट इज फुट राइस, फुट रॉट ऑफ राइस, और इसे और भी एक नाम है इसका, वो है बकाने डिसीज कहा जाता है इसे। और नेक्स्ट इज वेक्टर ऑफ टुंगरू डिसीज ऑफ राइस इज, जो टुंगरू डिसीज है राइस का उसका वेक्टर कौन सा है? दैट इज ग्रीन लीफ हॉपर। और ग्रीन लीफ हॉपर का साइंटिफिक नेम की बात करें तो वो है नेफोटेटिक्स विरिसेंस। ओके, नेफोटेटिक्स विरिसेंस। नेक्स्ट इज अपीडा वाज फॉर्म्ड इन द ईयर दैट इज 1986। और अपीडा का जो अगर फुल फॉर्म की बात करें तो वो है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। और अगर हम इसके प्रेजेंट चेयरमैन की बात करें तो वो है दविंदर कुमार सिंह। ओके, दविंदर कुमार सिंह। ओके, नेक्स्ट इज क्रोमोसोम नंबर ऑफ टोमेटो इज, टोमेटो का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? दैट इज 24, और 42 होता है वीट का और 20 होता है मेज़ का और सॉर्गम का। ओके, नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ ओरिजिन वाज गिवन बाय, सेंटर ऑफ ओरिजिन किसने दिया था? वो था एन ए वेविलोव, और इसने जो क्लासिफिकेशन दी थी उसमें थे 8 सेंटर्स थे और 3 जो सब सेंटर्स थे। ओके, 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन और 3 सब सेंटर्स। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल सॉरी नेशनल ईयर ऑफ मिलेट वाज सेलिब्रेटेड इन द ईयर दैट इज 2018। और अगर हम जो मिलेट्स की प्रोडक्शन की बात करें तो कर्नाटका जो है प्रोडक्शन में पहले नंबर पे है, और कर्नाटका के ने ही प्रपोज किया था जो नेशनल सीड ईयर ऑफ मिलेट्स के लिए। और अगर अब इंडिया इंडियन सरकार ने 2019 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के लिए प्रपोज किया है। ओके, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल इज सेलिब्रेटेड इन द ईयर दैट इज 2015, और जो सॉइल डे होता है वो कब होता है? दिसंबर 5। ओके, दिसंबर 5 को होता है सॉइल डे। फ्रूट ऑफ कॉलीफ्लावर इज नोन एज, फ्रूट ऑफ कॉलीफ्लावर इज नोन एज दैट इज कर्ड। और अगर हम नट की बात करें वो होता है लीची का, और हेड की बात करें वो कैबेज का, और सिलिकुआ की बात करें वो है मस्टर्ड का। ओके, नेक्स्ट इज ड्यूल पर्पज़ ब्रीड ऑफ शीप इज, शीप की ड्यूल पर्पज़ ब्रीड कौन सी है इसमें से? दैट इज मांड्या। और अगर हम टॉलेस्ट ब्रीड की बात करें वो है नेलोर, और भदावरी जो है वो है हमारी बफलो की ही ब्रीड है, और ये इसका जो फैट परसेंटेज मैक्सिमम होता है, और सूरती भी हमारी बफलो की ब्रीड है। ओके, नेक्स्ट इज लूज मॉट ऑफ बार्ले इज कॉज्ड बाय, बार्ले की लूज मॉट कौन करता है? दैट इज एस्टिलेगो न्यूडा। और अगर हम पाउडरी माइल्ड्यू की बात करें तो वो करता है रिसिफिक ग्रामिनिस, और अगर हम फ्लैक्स मॉट ऑफ वीट की बात करें तो वो करता है यूरोसिस्टिस ट्विटीसाई, और एस्टिलेगो हॉर्डे करता है बार्ले की कवर स्मट। ओके, नेक्स्ट इज डेंसिटी ऑफ सॉयल इज मेजर्ड बाय, सॉइल की जो डेंसिटी है कौन वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है? दैट इज़ पिक्नोमीटर। और टेंशियोमीटर सॉइल वाटर पोटेंशियल को मेजर करता है, और लिक्विड की अगर डेंसिटी की बात करें तो वो करता है हाइड्रोमीटर। ओके, नेक्स्ट इज विच फ्रूट इज़ नोन एज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दैट इज़ मैंगो, और इसका साइंटिफिक नेम है मैंजीफरा इंडिका। ओके, मैंजीफरा इंडिका। नेक्स्ट इज रोज इज़ प्रोपिगेटेड बाय, रोज़ की प्रोपिगेशन किससे होती है? दैट इज़ शील्ड बडिंग। और अगर हार्डवुड कटिंग की बात करें तो वो होती है हमारा ग्रेप्स में, और रनर्स होते हैं हमारे स्ट्रॉबेरी में, और सकर्स की बात करें तो वो है बनाना में। ओके, नेक्स्ट इज टॉप मोस्ट मिनरल होराइजन इज, टॉप मोस्ट मिनरल होराइजन कौन सा होता है? दैट इज़ ए होराइजन। और जो सीक्वेंस होता है सॉयल में वो इसी तरह होता है, ओ ए बी और उसके बाद सी। ओके, नेक्स्ट इज वी शेप्ड क्लोरोसिस ऑन ओल्डर लीव्स अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ दैट इज नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन क्या करता है? वो प्लांट को ग्रीन कलर इम्पार्ट करता है। ओके, नेक्स्ट इज बेंडिंग मेथड ऑफ मैकेनिकल कंट्रोल इज यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ दैट इज मैंगो मिली बग, इसमें क्या करते हैं? जो हमारा जो एक मैंगो का ट्री होता है उस पर जो प्लास्टिक का बैंड लगा देते हैं ऐसे यहाँ पर, और जब जब कोई भी जो हमारा
मिली बग है वो इस पर जो ऊपर जाने लगता है तो यहाँ से स्लिप कर जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रूट क्रैकिंग ऑफ टमाटो इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ दैट इज़ बोरॉन। ओके, दैट इज़ बोरॉन। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी हमारे अभी पुराने पार्ट्स अगर हम आपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। और हम अगला पार्ट भी जल्दी ही लेकर आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, बाय।